असलम जी मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन पी टी न्यूज़ पे सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक पाकिस्तान नेशन को अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है मुझे पता है मायुस्कुन थी बहुत से लोगों की जो इस वक्त एक चेहरे पर मुस्कुराहट है वो खत्म हुई हुई है लेकिन ईद का दिन है ईद की खुशी है हमने बांटनी भी है और बड़ी ईद है आपको पता है और थोड़ा सा तहमुल से खाना भी आप लोगों ने खाना क्योंकि इसके बाद बहुत से लोगों को आपको पता है डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है लेकिन ईद का दिन है खुशियां बांटे आ, लेकिन बात भी करेंगे पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस की और वर्ल्ड कप आपको पता है इस वक्त जारी है जहां पर सुपर एट मरल के लिए जो लाइनअप है टीम्स की वो मुकम्मल हो चुकी है सुपर एट मरल उन्नीस तरीक से स्टार्ट होना है आ, काफी उसके अंदर शॉकिंग टीम्स भी मौजूद है जिसका एक मैं हवाल दे दू से इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम ने कल आयलैंड को शिकस्त दी लेकिन ऑलमोस्ट एक हार्ट अटैक फिर आपको नजर आया जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की बैटिंग ऑर्डर की बात करें आपको फ्लॉप होते हुए नजर आ रही थी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी थोड़ी देर पहले गैरी कस्टन का भी आपको पता है निजी टीवी पर मैं देख रहा था बयान चल रहा था जहां पर उन्होंने आड़े हाथों लिया पाकिस्तान टीम को चाहे वो पाकिस्तान टीम की अपना बात करें अगर टीम मैनेजमेंट की बात करें चाहे पाकिस्तान टीम की स्पेसिफिकली बात करूं चाहे वो कोलेब्रेशन की बात करें जो कि आपका एक हम सो कॉड कहते हैं कि आपको एग्रेसिव क्रिकेटर्स नजर आते हैं

और इनके साथ साथ में जॉइन करें अहमद नवाज जो गुस्से में इस लग रहे हैं आपको ईद मुबारक अहमद भाई ईद मुबारक आपको काशिफ भाई को मुबीन साहब को आपके जितने नाजरीन हैं ख़ास तौर पर जो स्पोर्ट्स थ्री सिक्सटी की टीम है जिसमें हमारे पास हमारे प्रोड्यूसर्स हैं तैमूर हैं खुजैमा हैं शहरयार हैं शहज़ाद हैं और जितनी भी एक्सटेंडेड टीम है खसूसी तौर पर जो पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लोग आज हमारा और आपका साथ देंगे इस कॉन्टेंट को उन तक घरों में ले जाने के लिए हमारे नाजरन के लिए उन सबको खसूस ईद मुबारक ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट का क्योंकि आ, जगर, ये जो अहमद भाई ने कहा ये मेरी तरफ से भी हाँ बिल्कुल <laughs> नहीं सब भी गलत है क्योंकि हैट्स ऑफ एक चीज क्योंकि अहमद भी जब हम बात करते हैं यहाँ पर हम चार तो आपको नजर आ रहे हैं लेकिन जो बैक ऑफ द टीम अपना बैटरी होती है लिटरली उनका काम है सारा जितना भी है कंटेंट की बात करें चाहे आ, पीछे अपना खुसर बुसर करके चीजें भी बताते रहते हैं कि, <laughs> कि ये करो करो वो को सीरियसली पीछे जितने भी हमारी सपोर्टिंग स्टाफ इस वक्त बैठी हुई है उनकी अगर बात करें हेट्स ऑफ उन टीम को लेकिन स्टार्ट करेंगे अहमद भाई सबसे पहले <laughs> गैरी कस्टन पे आना चाहूंगा मैं बांग्लादेश वगैरह पे तो बाद में आऊंगा कि तीन मैचेस जीते हैं उसने बड़ी बात है टी के अंदर गैरी कस्टन का भी मैं थोड़ी देर पहले बयान देख रहा था निजी चैनल के अंदर उन्होंने पाकिस्तान टीम को आड़े हाथों लिया लेना भी चाहिए जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की एक दबे अल्फाजों में उन्होंने एक बात भी कर दी कि पाकिस्तान टीम एक यकजा के नहीं खेली जो कि दूसरी टीम्स में नजर आता है मैंने इतनी टीम्स की कोचिंग की है पाकिस्तान टीम एक डिफरेंट कैरेक्टर आपको नजर आती है uh, बहुत आई थिंक uh, तल्ख बातें हैं लेकिन सच हैं और uh, बेहतरीन मौका था ईद का कि ये बातें जो हैं वो डिस्कस की जाएँ uh, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपने एक चीज़ की बड़ी अच्छी निशानदेही गैरी कर्शन के पास एक्सपीरियंस मौजूद है वो दुनियाई क्रिकेट में शायद उन चंद कोचेज में से हैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा है एज अ कोच ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लेयर टू अ कोच इज समथिंग डिफरेंट लेकिन अगर आप उनका सक्सेस रेशो देखें तो टीम्स के साथ बहुत ज़बरदस्त रहा है वर्ल्ड कप जीतने वाले कोच रहे हैं वो और जब वो पाकिस्तान टीम के लिए भी आ रहे थे तो हम में से बहुत से लोग बहुत ख़ुश थे कि एक ऐसी मुस्बत सोच आएगी जो एटलीस्ट टीम को जो हम कहते हैं ना विनिंग इज़ अ हैबिट वो जीतना सिखाएगी तो ये बातें उन्होंने पहले भी की अब देखें ये बड़ा एक ट्रिकी फेज़ है मैं और काशिफ भाई बार बार हर प्लेटफॉर्म पर ये बात दोहरा रहे हैं कि ये दो महीने आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं और इसमें आप सर्जरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें आप आ, कोई और इसको टर्मिनोलॉजी दें तो ये अब कुछ तलख फैसले तो करने पड़ेंगे अब देखना यही है आ, मुझे तो तौर पर लगता है कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी या पीसीबी की जो और मैनेजमेंट है हायर अप्स हैं उनका एक बहुत ज़्यादा भरोसा नज़र आएगा गैरी करसन के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि कल हम कॉमेंट्री सुन रहे थे पाकिस्तान आयरलैंड के मैच में जब पाकिस्तान तकरीबन छः आउट करवा चुका था तो गैरी पर कैमरा गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आए तो वहाँ पर कॉमेंटेटर्स ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये बहुत ज़रूरी है इस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि गैरी पर भरोसा किया जाए और इनको एक लंबा अरसा दिया जाए कि वो एक ऐसी टीम तैयार करें पाकिस्तान के लिए जो मुस्तबिल में ना सिर्फ बायोलैट्रल सीरीज़ बल्कि आईसीसी -सी के टूर्नामेंट्स जीत कर लेकर आए और मेरा ख़्याल है ये बहुत ज़रूरी है हम बार बार कहते हैं जितनी इनकसस्टेंसी चल चुकी है उसके बाद चाहे वो गैरी होते कोई और होते आपको उनको मौका देना पड़ेगा कुछ सबक क्रिकेटर्स हैं वो चाहे कोई और नाम लें लोग देखें इस वक्त मर्ड स्लिंग का लफ्ज़ एक हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं मर्ड स्लिंगिंग हो रही है मैं किसी और पर ब्लेम डालूंगा वो किसी और पर डालेंगे हमने दो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी प्लेयर्स की सुन ली कल बाबर की आपने आशा बोगले के साथ टॉक सुनी उन्होंने भी यही कहा कि जी हम एक टीम बनकर नहीं खेले और बार बार इस चीज़ की निशानदेही की जा रही है तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया कि आप गैरी की बातों को पी सी बी भी सीरियस लेगा बहसीत कौम मैं तो ये वाज पैगाम दूंगा चेयरमैन पी सी बी को कि इस वक्त जनाब मोहसिन नकवी साहब की तरफ तमाम कौम जो है वो देख रही है वो चाह रहे हैं कि ऐसे तलख फैसले किए जाएँ वो मोहसिन नकवी साहब के साथ खड़े होंगे इससे पहले भी माजी में जब वो इंटरम गवर्नमेंट में थे वो जीर अला पंजाब रहे उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशन हमें पंजाब के सूबे में नजर आई एक प्रो एक्टिव सोच नजर आई अब लोग चाहते हैं नजर आए तो चेयरमैन साहब को फैसले करने पड़ेंगे क्योंकि जैसा मैंने आपको बार बार कहा कि इस वक्त कॉम की नजरें चेयरमैन साहब पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, है तो पाकिस्तान चेयरमैन की बात करें इंपॉर्टेंट है मुबीन भाई कि आपको अब आप फैसला लेना पड़ेगा जो बात अहमद भाई कर रहे थे अगर मैं थोड़ा सा कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप खुद भी कोच रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट होता है कोच को टाइम देना क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा एक अलमी है चाहे डिफरेंट स्पोर्ट्स की बात करूं कि छः महीने देके के सात महीने देके हम कहते हैं कि रिजल्ट ऑरिएट हो रिजल्ट हो कोच हो रिजल्ट वो दे जाए गैरी कस्टन की बात करो इंडिया से इंडिया का कोच उनको टाइम लगा रिजल्ट देते हुए जब दो का वर्ल्ड कप जीता है आपको टाइम देना पड़ेगा डेफिनेटली गैरी क्रिस्टन एक बहुत बड़ा नाम है और कोचिंग में जिस तरीके से उन्होंने सर्व किया हुआ इंडिया के लिए और इंटरनेशनली ग्लोबली मेरे ख्याल से अब देखिए उन्होंने आज जो एक पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी है पीसीबी को उसमें उन्होंने बड़े तीन चार जो पॉइंट्स दिए हैं अपने उस पर हम डिस्कस करते हैं कि उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि जो टीम के जो स्किल्स हैं उस तरह के नहीं थे उसमें उसमें काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट समझ चाहिए टीम एक पेज पर नहीं है यूनाइटेड नहीं है ये असल ये चीज़ है ये जो अलार्मिंग चीज़ है जो इस रिपोर्ट में दी गई है मेरे ख्याल से देखें मौसम नकवी साहब ने पी के दरमियान जब पी हो रही थी तो उन्होंने यहाँ पे सीना होटल में बैठ के तमाम प्लेयर से बात की थी उन्होंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था एट दैट टाइम के अगर ये टीम ग्रुपिंग में इन्वॉल्व हुई जो जो प्लेयर ग्रुपिंग में इन्वॉल्व होगा तो मैं सबको जो जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं उसका क्या हल करूँगा अब देखते हैं कि चेयरमैन पीसीबी जो मोहसिन नकवी साहब है वो क्या करते हैं इस चीज़ के ऊपर देखें फ़िटनेस की बात करें फोकस की बात करें गेम अवेयरनेस की बात करें उन्होंने गैरी ने आज ये कहा है कि हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं है कि कब कौन सा शॉट खेलना है तो अगर ये सारी चीज़ें गैरी की नॉलेज में तो पहले शायद ना हो क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ इससे पहले अभी इतना रिसेंटली काम नहीं किया अगर ये किया है काम उन्होंने और ये रिपोर्ट चेयरमैन को दी है अब देखें इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं अब बात वही है कि अब आगे लायामल क्या होगा हमने आगे देखना कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आ रही है आप ग्रैंड अप्रेशन की बात करते हैं सर्जरी की बात करते हैं आपने कहाँ से शुरू करना है कहाँ पे ख़त्म करना है अब सर्जरी सिर्फ क्या वो आ, सिर्फ प्लेट्स की होगी या मैनेजमेंट में भी ठीक है? है अब ये वो चीज़ें हैं कि आपको जब तक आप डिटेल्ड ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे पूरी इसको बैठ के इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगी एक एक चीज़ सामने ला के आपको देखें हमारे रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप के स्कॉड का ऐसा ही हैं बड़े हमारे मेन प्लेयर्स में से जिनको हमने रेड किया है और बड़े अच्छी तरीके से हम उनको वापस भी लेके माद वसीम की बात कर रहा हूँ अब उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक अधी दफ़ा अपने ऊपर भी बात ली है कि हाँ जी मैंने मेरी वजह से वो शायद हम मैच हार गए लेकिन दूसरी जगह पे एट द सेम टाइम वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी वजह से ये मैच नहीं हारा गया बहुत सारी टीम में टीम में चीज़ें और भी हैं जो तो शार्ट आउट होने वाली हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं टीम में जो जल्द से जल्द शार्ट आउट होनी चाहिए देखिए ये सारी मेन वजह यही थी हम सब डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड कप से पहले कि पाकिस्तान की टीम जो है वो हमें उस तरह नजर नहीं आ रही और यही मेन वजह थी मेरे ख्याल से ग्रुपिंग यह हम पूरी टीम एक पेज पर नहीं थी अब इस चीज़ के ऊपर जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन नहीं लेंगे मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी हमेशा ऐसे ही होता होता तो है सर तो मुबीन जो आप बात करें काशि भाई इसी में करना चाहूँगा अब बात अगर हम बात करते हैं प्लेयर्स की मैं खुद कहता हूँ कि प्लेयर्स का अकाउंटेबल होना चाहिए लेकिन जब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर्स में आपके कोचेस भी आते हैं आपके मैनेजमेंट अपना सिलेक्शन कमेटी भी आती है सबसे बड़ी चीज जो हमेशा जो मैंने देखा किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर आप देखें जो डाउन दी ग्रुप जब हम डोमेस्टिक की बात करते हैं खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर रहे हैं अंडर नाइनटीन की बात करूं डोमेस्टिक की बात करूं जो एक क्लैरिटी चाहिए होती है जो एक ट्रांसपेरेंसी होती है ऊपर तक कोच तक वो क्लियर नहीं है ये तो सबके सब, सब फिर अकाउंटेबल है ना देखिए सिस्टम की बात कर लेते हैं एक लव सिस्टम अगेन सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये तो को पिछले कुछ सत्तर साल से ऐसा ही है ऐसा नहीं हुआ कि हमारा लड़का पाकिस्तान का कभी भी स्टार कोई बहुत बड़ा सिस्टम से निकल कर आया और हमने कहा कि वाह जी आजीवाल कर दिया जो रिसेंट अगर मैं बात करूँ तो बाबर और रिजवान मुझे नजर आते हैं ये बाबर प्राइमरी के फिफ्टीन अंडर फिफ्टीन भी खेले सेवनटीन खेले नाइनटीन खेले पाकिस्तान ने खेले और फिर पाकिस्तान की टीम है दैट इज इट पाकिस्तान की टीम में आके क्या हुआ ये एक अलहदा कहानी है इसके अलावा इस टीम में हार्डली दो से चार ऐसे लोग होंगे जो सिस्टम से आए होंगे सिस्टम अच्छा है बुरा बात की बात की लेकिन सिस्टम से होकर आए एक तो यह सवाल है कि आधी टीम जो है आ, उसका रास्ता ही मुख्तलि है वो पांच छह मुख्तलि रस्ते हैं जहां से होकर प्लेयर जो है पाकिस्तान की कौमी टीम में पहुंच गया और वो वर्ल्ड कप भी खेल गया और अब अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है अकाउंटेबिलिटी आपने कहा कि हम उन लोगों की क्यों ना करें कि जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया था स्टार्ट तो वहां से होना चाहिए

हाँ, कहना नहीं चाहता <laughs> लेकिन बात जो है वो आ गई है <laughs> अब ये जो बात है मोबिन भाई अगर आप इजाजत दें हमेशा आपसे सवाल ये करते हुए इस पंद्रह प्लेयर को उठा के देख लें इनमें से कोई एक प्लेयर ऐसा बता दे जो अपनी फ्रेंचाइज का सुपर हीरो ना हो ये सारे पीएसएल की फ्रेंचाइज के सुपर हीरो हैं जिनको पाकिस्तान की टीम के नाम पे इकट्ठा कर दिया गया है किसी से या किसी ने इनसे परफॉर्मेंस का नहीं पूछा हर टीम ने हर फ्रेंचाइज ने अपने दो से तीन ब्रांड बनाए हुए उन ब्रांड का एक मलबूबा हम पे थोप दिया गया है ये तो देखा ही नहीं गया कि हमें बॉलर चाहिए हमें बैट्समैन चाहिए हमें अच्छा विकेट कीपर चाहिए तीनगरी तीन, तीन विकेट कीपर पांच ओपनर सात फास्ट बॉलर या छह फास्ट बॉलर ये कौन सा कॉम्बिनेशन था जो वर्ल्ड कप में ले गए आखिरी बात फॉर्चुनेटली हम कैरिबियन में क्वालिफाई कर जाते जो हमारा सुपर एट का मर रहा था ये पांच फास्ट बॉलर का हमने करना वहां पर क्या था

लिटरली बात सच है तीनों शायद मुझसे एग्री करें कि फ्रेंचाइजेस का बहुत ज्यादा रोल है हमारी नेशनल टीम के अंदर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुबारक पाकिस्तान की तमाम माओ की दुआएं हमारे साथ हैं ये आप ही की हिफाजत के लिए यहाँ पर मौजूद हैं।

तमाम अहले ईमान वालों को मेरी और प्रोग्राम सस्ते की जानिब से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो गर्मी सर्दी आपको पता है पिशावर में जब तक कढ़ाई और तिके ना हो तो वो ईद नहीं होती तो वो जो सीखे थी उसमें एक बोटी और एक चर्बी एक बोटी और एक चर्बी तो मैंने अपने होश से कहा कि जी कोई सब्जी है है तो मुझे दे दे <laughs> बहने जो हैं वो दुबई में बेस्ड हैं अच्छा एक दिन पहले ही दो जाती है उनकी तो हो जाती है लेकिन उनकी छुट्टियों के साथ ही मनाई ये हाल ही इलेक्शन में बेंच समर लॉस्ट तो ये फूलों का गुलदस्ता लेके जो इनके मध्य मुकाबले पीटीए के कैंडिडेट थे मीना गुल अफरीदी साहब उनके घर गई और फूलों का गुलदस्ता दिया तो ईद पे भी ये ईद एक्सचेंज होती है नहीं व्हाट्सएप पे हो जाती है ईद की सबसे खूबसूरत है बड़ी ईद की जो ख़ुशी होती है ना कि आप सारा गोश्त इकट्ठा करते हो फिर उसे वॉश करते हो फिर उसके शॉपर शौ, बनाते हाँ। हो खाला का प्पो का जिस तरह अल्लाह ताला ने एक का ये किया कि इस तरह हिस्से बनाएं अपने रिश्तेदारों को भी दें कम प्रिवेज लोगों को दें ये एक हमारे लिए एक सिंबॉलिक चीज़ है कि हमें अपने रिश्तेदारों के साथ भी मिलके वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उनके लिए भी हम जो कर सकते हैं करें ईद मुबारक ईद पर कुर्बानी करके कर ही सब ही सब खा रहे हैं दस्ती हाओ रान हाओ होले होले मट्ठे मट्ठे असा प्यार पहाड़े रट्टे साडा प्यार सलामत रहा तो कुर्बानी का हर तरफ जो मैं की आवाजें थी वो तो हमने जीबा कर दी लेकिन अपनी मैं उसको कब खत्म इसमें कोई शक नहीं कमा बहुत ज्यादा किचन में गर्मी भी है लेकिन वो एक दिन कुर्बानी देती पूरा साल क्यों नहीं देती? <laughs> पूरा साल बंदा कुर्बानी करता है <laughs> 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 माना तुझे अलर्जी है ठाकुर के नाम से कम वक्त मुझको बकरा समझ कर ही प्यार कर <laughs> 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 जी आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइज का एक रोल अनफॉर्चुनेटली आपको नजर आता है चाहे हम आ, बात करें सोशल मीडिया हैंडल्स पे बात कर लें चाहे हम बात करें बहुत दफा ये भी अहमद भाई देखी गई चीज है लिटरली कि ठीक है पाकिस्तान सुपर लीग है फ्रेंचाइजेज है हमारे ही लोग हैं हम उनको बैकअप भी करते हैं सारे मामला पे लेकिन बहुत सी जगहों में मैंने ये बात देखी है कि जहां पर प्लेयर परफॉर्म करता है तो हमारा प्रोडक्ट है जहां पर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता लिटरली डिसन किया जाता है बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सबसे पहले तो आप फ्रेंचाइजेज के रोल की तरफ तो आएंगे लेकिन तरजीह के अंदर चाय का बहुत अहम रोल है तो पहले तो आपका और टीम का बहुत शुक्रिया क्योंकि हाँ मैं कि बिल्कुल ये वही कह रहा दिन की जितनी थकावट थी जाहिर बात है कुछ फराइज भी थे कुर्बानी के उसके बाद जरा तो बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स थ्री सिक्सटी का यही वजह है कि हम कहते हैं हमारा ख्वाब था कि ऐसे प्रोग्राम में आए या चाय लाजमी दी जाए हमें यार ये फ्रेंचाइजीज वाला टॉपिक इतनी बहुत है यार देखें फ्रेंचाइजीज वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है पहली बार ऐसा लगा था कि जब से मैनेजमेंट चेंज हुई तो इनको टेम करना शुरू कर दिया गया थोड़ा सा ज़रा लेकिन देखें हम ये नहीं कहते कि पीसीबी से शायद ज़्यादा पावरफुल हैं लेकिन एट पार तो आ चुके हैं आप ये देखिए कि फैसलों पर एक किस्म का वो मुतासर कर पाते हैं फ्रेंचाइज आपने फिर उनको खाली फ्रेंचाइजेज़ की हद तक नहीं रखा ऑलमोस्ट रेवेन्यू शेयरिंग की बात होती है एज बिजनेस एंटिटीज़ आप उनको ट्रीट करते हैं आई थिंक ये बहुत ज़रूरी बात है कि आप इस चीज को गेज कर लें कि पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट का सेंटर ऑफ पावर जो है जिसको सेंटर ऑफ बैलेंस कहते हैं वो कहाँ पर है क्या वो फ्रेंचाइजीज के पास है जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं क्या वजह है कि पिछले तीन साल से बातें चल रही हैं कि दो फ्रेंचाइजीज आएंगी लेकिन अभी तक फ्रेंचाइजीज ही एग्री नहीं कर पाती कि जी दो आनी चाहिए या नहीं क्योंकि देखें एक पाए है उसका शेयर डिवाइड होता जाएगा इसके अलावा दो तीन बातें मैं चाहूँगा इसी से हम मुंसलिक कर लें एक तो मुबीन भाई ने बात की इमाद वसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे तो लगा शायद उसमें वो ये भी निशानदेही कर गए हैं कि सिर्फ मुझे ही पता है कि पाकिस्तान टीम के साथ क्या मसाइल हैं तो शायद कि किसी और तरफ भी इशारा कर रहे हैं या हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मैं हूँ और उसके अलावा अगर हम देखें प्लेयर्स प्रस्पेक्टिव से देखें जो बार बार ग्रुपिंग की बात की जा रही है तो आपको याद होगा जब भारत से मैच हारे तो एक स्टेटमेंट सर्जरी की सिर्फ नहीं आई थी ये भी बताया गया कि मैं जानता हूं कि टीम के अंदर क्या चल रहा है और हारने की वजह क्या है तो अगर आप जानते हैं अगर आपको खबरें सीनियर मैनेजर तो से सीनियर मैनेजर से आपको खबरें मिल रही हैं या इससे पहले आपको पता था तो इस पर करना क्या है ये देखें यह सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी नहीं होनी चाहिए ये फिर एक पूरी सर्जरी होनी चाहिए हम, हम माजरत के साथ हम करते हैं क्या है कि वो एक छोटा सा वो कहते हैं ना तार कटी तो वहीं से जोड़ दे के उसको टेप लगा दी और कहा चलने दो इस तरह अब नहीं चल सकता और देखिए फ्रेंचाइजीज आप अभी से ये डिसाइड कर लें कि क्या आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को फोकियत देनी है या आपने फ्रेंचाइज मॉडल को फ़ोकीत देनी है ठीक है टी ट्वेंटी तक प्लेयर्स हाईलाइट हो जाते हैं मैं समझ पाता हूँ कितनी बार ऐसे है कि हमने नेशनल टी ट्वेंटी कप की बात की हो ज्यादा फरहान टॉप स्कोरर रहे आपने नंबर पे उनको, उनको हारिस की बात की तो मेरा सवाल यह है कि जो पिछले दो या मेरे ख्याल से तीन साल हो गए आप ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि आपके पास एक बॉलर आया जिसको आपने कहना शुरू कर दिया की डेथ ओवर्स का बॉलर हमें मिल गया आप उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह जानते जमान खान को आपकी प्रोडक्ट रही है वो क्या वजह है कि एकदम से हमने कहा जी ये तो पाकिस्तान टीम की प्लेइंग क्या पंद्रह के स्क्वाड में भी जगह नहीं बना पा रहा फिर स्पिनर्स का अगर हम बार बार बात करते हैं कि जी पाकिस्तान मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हैं हम सब बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है पाकिस्तान में स्पिनर नहीं है पहले सीजन से हमें लेफ्ट आर्म स्पिनर उमर खान नजर आता है कहाँ गया उसके बाद जब आपने रीजन जब सिटी एसोसिएशन में डिवाइड की तो मेरे ख्याल से टॉप विकेट टेकर्स में से था नहीं नजर आया उसके बाद

कौन से ये, ये भाई का स्क्रिप्ट है मैं तो खैर रहा हूं के, मैं के हाँ, बिल्कुल <coughs> आजम की बात की थी डेटा की बात हुई थी आजम ने बड़े अच्छे रन किए पूरे पी एस एल में मुझे अच्छा स्पिनर बता दिया एक राशिद खान होता लाहौर के पास वो भी नहीं आया था वो भी नहीं था, था। शायद आपसे गेंद नहीं होती हम सबको पता है एक उसामा मीर था जिसके अगेंस्ट उसके रन नहीं है

<laughs> इसका मैच तीन तक इसको हाँ है। तो तो लेना नहीं, वो पे हो बाकी रह गए हर प्लेयर में हर टीम में सात सात में से हर फ्रेंचाइज के तीन वो होते हैं जो कि ब्रांड एम्बेसिडर ग्लोबली पता नहीं क्या क्या वो तीन हो गए वो चले गए अठारह बन के पाकिस्तान के कैंप में है। एक मर्जिंग हो गया उस वो जितना मर्जी कुछ कर ले हम उसको लिफ्ट नहीं कराते और दो जो है वो अपनी पसंद की फ्रेंचाइजी सेलेक्ट कर लेती है जिनके बारे में उनको यकीन की हद तक पता होता है ये हमारे किसी स्टार को चैलेंज नहीं करेंगे अब आपके पास इस पूरी फ्रेंचाइज में से इस पूरे पीएसएल में से प्लेयर कितने आए वो ये

अगर मैं इंडियन टीम के प्लेयर्स को उठा के देख तो जो अच्छी चीज आपको बता नहीं है उनके प्लेयर्स को अगर मैं उठा के देखू तो काशी है लिटरली अराउंड प्लस सब ने फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी के मैचेस खेले मैचे बाईस फर्स्ट क्लास मैच खेला पचास से ज्यादा okay. की एवरेज है अगर मैं, करूं, मैं बात पाकिस्तान बैट्समैन नहीं लग रहा था मैं करूट कर एक दो साल के अंदर की बात करूं दो दो तीन तीन साल की अगर मैं पाकिस्तान टीम के प्लेयर की बात करता हूँ आप क्योंकि खुद भी फर्स्ट क्लास टीम के साथ ऐसा कोच रहे हैं पाकिस्तान की टीम के साथ कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसने 50 के करीबी इसमें इसकी इस बात करूँ स्कॉर्ड की जिसने 50 फर्स्ट क्लास मैच खेले हो मिला तो के या अकेले ने पिछले <laughs> पाँच साल से मेरा नहीं ख्याल कि जितने भी हमारे जो रेगुलर प्लेइंग एलेवन के मेंबर्स हैं उसमें से कोई एक भी सीजन में अपियोर होगा एक भी लड़का जो हमारे टॉप टू बॉटम अगर जो रेगुलर प्लेइंग एलेवन का मेंबर है ये बड़ी बात है मैं आपको जो कर रहा हूँ एक लड़का भी अप्यर नहीं होगा डोमेस्टिक सीजन में तो यही मिया सबसे बड़ा और देखें आगे अहमद भी ने बात की है जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ इस वर्ल्ड कप में हमें नज़र आई हमें पिछले वर्ल्ड कप में, में नजर आ रही थी हम काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं ग्रुपिंग हम हमेशा जिक्र करते हैं ग्रुपिंग है ग्रुप हैं दो ग्रुप हैं चार ग्रुप हैं तीन ग्रुप हैं देखिए इस चीज़ को आप जब तक खत्म नहीं करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट से और मेरे ख्याल से इसमें एक वाकई ग्रैंड ऑपरेशन होना चाहिए इस चीज़ पर लाजमी होना चाहिए जो भी कसूरवार है

Players के साथ नहीं दे रहा मैं इस सेंस में कह रहा हूँ जब तक खुद प्लेयर हमें लिटरली चीज समझ नहीं आती थी आप खुद एक कोच हैं जब कोचिंग का कोर्स किया फिर मुझे किया है कि सिर्फ प्लेयर मैंने किया जब तक आपको मैनेजमेंट में से किसी मेन बंदे की सपोर्ट नहीं होती आप कभी भी ग्रुप जो है ना वो रन नहीं कर सकते आपको सपोर्ट होगी तो आप ग्रुप बनाएंगे ना मेरे आपके ग्रुप बनाने का क्या फायदा होगा कि जब हमें कुछ जानता ही नहीं होगा हमें कुछ सपोर्ट ही नहीं करेगा जब तक आप पावर नहीं देंगे किसी बंदे को वो कभी भी ग्रुप नहीं बनाएगा पावर्स मिलती हैं डिसीज़न की आपको पावर्स मिलती हैं तो आप ग्रुप बनाते हैं इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है पाकिस्तान की जो क्रिकेट है फिर उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्शन की हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं स्किल्स की ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं लेकिन इस चीज़ को जब तक आप किल नहीं करेंगे टीम से बाकी सारी चीजें अगर आपके पास स्किल्स भी हैं देखें इमाद वसीम है बाबर आजम है मोहम्मद रिजवान है टॉप टू बॉटम बात फिर भाई वाली आ जाती है चलो ग्यारह में से आपके आठ तो मर्जी के थे ना हाँ। खेलने वाले थे ना तो इससे बड़ी कौन उस सी बड़ी और कौन सी बात होगी वो तो उनमें तो स्किल्स की कमी नहीं थी ना वो तो पूरी दुनिया में खेलते हैं जाके भाई उनमें स्किल्स की तो या वो तो गेम अवेयरनेस की हम बात तो नहीं कर सकते जिसने सौ मैच खेले में पाकिस्तान से जाके हम उसे बताएंगे आपने किस टाइम पे कौन सा शॉट खेलना असल चीज़ वही है ग्रुपिंग उसको ख़त्म करें फिर सिलेक्शन पर आएँ आपने जो आपके पास ओपनर्स हैं देखें बेस्ट स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं आप प्लेइंग एलेवन या पंद्रह का स्का जो भी लेके जाते हैं इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद आप वन बाई वन देखें सैम ऐब की परफार्मेंस क्या है फ़खर जमान की परफार्मेंस क्या है उस्मान ख़ान की परफार्मेंस क्या है इफ्तार अहमद की परफार्मेंस क्या है आप चेक करें नीचे आज़म खान की परफार्मेंस क्या है ये जो पांच लड़के आपको मैंने गिनवाए हैं क्या आप इनको कंटिन्यू कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम के साथ वर्ल्ड कप के बाद शादाब खान की हम बात करते हैं क्योंकि वो बैटिंग एज ए बैटर वो खेल रहे हैं आप टीम के साथ क्या एज़ ए बैटर उनकी प्लेस टीम में बनती है बिल्कुल भी नहीं बनती मेरे ख्याल से जहाँ पर ख़राबी आ रही है सबसे पहले आप उस चीज़ को ख़त्म करें और उसके बाद एक क्लियर मैसेज दें जो भी ये ग्रुपिंग वाले हैं जो भी ये लोग हैं कि जो भी इस टीम में ग्रुपिंग करेगा ये देखें आपके पास कोच की एक रिपोर्ट आ चुकी है अब उस कोच की रिपोर्ट में आपने कोच ये कह रहा है कि टीम एक टीम में यूनिटी नहीं है यूनाइटेड नहीं है एक पेज पर नहीं है इट मीन्स कि ग्रुपिंग है अब इस रिपोर्ट को सामने रखते हुए आप आपको सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको उनको जो है ना इबरत का निशान बनाना पड़ेगा जो को मुबीन भाई बात करें ना मुबीन भाई बिल्कुल ठीक है मैं guess, मैं आई गेस आप अंडरस्टैंड करें बात क्या कर रहा हूँ प्लेयर्स को तो करना अकाउंटेबल है प्लेयर्स मैं फिर उस चीज पर जोर दे रहा हूँ <coughs> फ्रेंचाइज को बुरा भला नहीं कह रहा सीरियसली फ्रेंचाइजेस यहाँ तक कि जो कोचेज आपका स्टाफ बैठा हुआ चाहे जितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कोच बैठा हुआ है पाकिस्तान शाइन्स के तो अनफॉर्चुनेटली टूर अब इक्का बिक्का रह गए और तीन साल के बाद एक टूर आपका होता है डोमेस्टिक कोचेस आपके फ्रेंचाइज के जो है जो भी मालिकान है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं लिटरली एक पैगाम अब जाना चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है, वो 26 की टीम है है वो करोड़ की उससे दूर रहे आपका कोई लेन देन नहीं है क्योंकि मैं आपको ये बात सच कर रहा हूं ये खाली मैं नहीं हर बच्चा बच्चा पाकिस्तान में क्रिकेट इतनी फेमस है कि बच्चा भी एनालिसिस निकाल के आपको दे देता है सबसे ज्यादा स्टेक जो है मैं फिर कहता हूं कि आपके कोचेस का होता है आपकी फ्रेंचाइजेस का होता है प्लेयर्स का अपनी जगह वाली बात ठीक है मिलती है तो कुछ करता है ना प्लेयर बैकअप नहीं होगा प्लेयर की जरूरत में बैन कर दें कि जो फ्रेंचाइज के कोचेज हैं वो नेशनल टीम से कोचेज नहीं होंगे आपके अदर महमूद साहब जो है वो आपके इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं फिर ये सिस्टम की बात है फिर वही बात आ जाएगी जब तक हम सिस्टम ठीक नहीं करेंगे हम दोबारा उसी

उस टी20 की विंडो वो रखी थी कि जिसमें इंटरनेशनल असाइनमेंट कोई नहीं है और ये बाद में क्यों कर रहा हूं क्योंकि उस दिन जब हम टीवी पे मैच देखते थे तो जो परफॉर्म करता था वो हमारा सबसे बड़ा प्लेयर है दैट्स इट उसके बाद हमारे पास कोई बहाना रह ही नहीं रह गया ये कहने का कि यार ये तो बड़ी हल्की टीम थी तो असल प्लेयर तो हमारे जो है वो दौराए अमेरिका में मसरूफ है नहीं जो मौजूद हैं वो सामने नजर आ रहे हैं टली अब किया क्या, क्या एक बनाने के लिए को को हमारी जो टी उसको इतना हल्का कर दिया दिया गया कि इधर टीम को दौरे पे भेजा या टीम का कोई उधर पीछे से टी करवा दिया, अब उसका जो परफॉर्मेंस उसकी वर्थ ही कोई नहीं है hmm. सपोज अभी जो 18 टीमों ने टी ट्वेंटी खेला था उसमें अहमद शहजाद ने सपोज पहले हाफ में परफॉर्म किया दूसरे में नहीं कर सके या सजाद ने परफॉर्म किया नाम भूल गया इन्होंने परफॉर्म किया उस गरीब की वर्थ ही कोई नहीं है मीडिया पे क्यों क्योंकि आमिर और शादाब और ये तो खेले ही नहीं अब वो बेचारा जो मारता रहा है जो रन करता रहा जो विकेट से लेता रहा है तो उसको बता देते कि भाई तू जो मर्जी कर ले ये ग्रेड टू है फर्स्ट क्लास तो बाहर हो रही है सो दिस इज वेरी इट्स इंपॉर्टेंट

आ, तो वापस ट्रैवल कर रही है 19 तरीक को आई गेस एगरसिया पहुंचेगी वापस बल्कि 21 तरीक तक शायद वो लोग वापस पहुंचेंगे पाकिस्तान शाहजी अगर बात करें पाकिस्तान टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं सुपर एट की बात करूं यूएसए वक्त सुपर एट के अंदर मौजूद है आ, लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं कि यूएसए जो एक आ, उस लेवल की टीम नहीं थी लेकिन लिटरली जो मैचेज उन्होंने खेले उन्होंने बताया कि अग्रेसिव क्रिकेट और हार्ड वर्क क्रिकेट कैसे होती है जिस तरीके से वो सुपर एट में मौजूद है ओवरऑल बात करें पाकिस्तान वर्सेज आईलैंड मैच की भी तो मुश्किल का शिकार आपको पाकिस्तान टीम नजर आई पाकिस्तान टीम को कैसे देख रहे हैं और यूएसए की बात करूं यूएसए टीम को कैसे देख रहे हैं जी बिल्कुल आपने ठीक कहा इसके साथ ही पाकिस्तान अब क्रिकेट टीम कल से वापस पाकिस्तान चली जाएगी और जो कल पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच हुआ है जीत तो गया पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं लेकिन बड़ी मुश्किल से जीता देखे वो कहते के, हैं ना छोड़ना वो पाकिस्तान टीम ने वो इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ा और ये जो आयरलैंड का आखिरी मैच था जो कि मेयर इट वॉज अ मेयर फॉर्मेलिटी कोई ऐसी बात नहीं थी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका था कि यू एस ए ने और इंडिया ने इस पूल से सुपर एट में जाना है लेकिन ये फॉर्मेलिटी भी पाकिस्तान पूरी तरह कंप्लीट न कर सका बल्कि आसानी से न जीत सका एक तरह से बड़ी मुश्किल थी एक वक्त में और सिक्सटी टू फॉर सिक्स थे आधी से ज़्यादा टीम आउट हो गई थी तो ये भी मैच एक तरह से मुश्किल से जीता थोड़ा बाबर आजम अच्छा खेले दो चके शहीन अफरीदी ने मारे लेकिन वो सफ़र जो इसके लिए बड़ी उम्मीदें थी कि पाकिस्तान इस्तीफा कुछ कर दिखाएगा वो पाकिस्तान कामयाब ना हुआ देखें क्रिकेटर्स और बाबर आजम ने बाद में बिल्कुल एक बात सही की कि हम एज ए टीम नहीं खेले देखें एज ए टीम खेलने का मकसद क्या होता है एज ए टीम खेलने का मकसद होता है कि आप बॉलिंग अच्छी करें आप बैटिंग अच्छी करें आप फील्डिंग अच्छी करें कि मतलब है सारे डिपार्टमेंट्स में आप ऐसी परफॉर्मेंस करें कि जो इंप्रेस करे, जिसका कोई फायदा हो कोई जीते आप जाके मैच हम यूएसए से हारे एक बॉलिंग की वजह से हम हारे आर एस रउफ ने अच्छा ओवर नहीं किया आखिरी और आमिर ने सुपर ओवर अच्छा नहीं किया फिर हम इंडिया के खिलाफ हारे तो हम बैटिंग की वजह से हारे देखिए 120 स्कोर का टारगेट कोई इतना मुश्किल नहीं था वो हम चेस ना कर सके और दो इजी जो हमें टारगेट्स मिले थे दो इजी मैचेस मिले थे मैं यह तो कहूँगा कि बड़ी आसानी से दोनों पाकिस्तान को जीतने चाहिए थे और आज यूएसए सुपर एट में ना होता आज पाकिस्तान सुपर में होता और दूसरा एक और बात जो है कि कहाँ गलती हुई पाकिस्तान की क्या वजह थी कि पाकिस्तान नाकाम हुआ Uh, इतनी uh, वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस है टी ट्वेंटी क्रिकेट जब थी तो वर्स्ट एवर परफार्मेंस की समझे आप कभी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई 2007 में ये टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप शुरू हुआ और अभी तक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि जो इस्तीफा आई और इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंस कभी भी हमने नहीं देखी हमने 2009 में वर्ल्ड कप जीता हम आ, इसके बाद हम फाइनल खेले सेमीफाइनल खेले लेकिन ये जो टाप की एक टीमों में ना आना है ये एक लंबा फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी क्या आ, हम आ, मेरा खाली रिक्वायरमेंट्स हम भूल गए हैं कि टी क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स क्या है क्या हम वो यंगस्टर का जो एक आ, मैं कहता हूं कि एक रोल होता है वो हम भूल गए हैं कि ये दिस फॉर्मेट इज मैंट फॉर यंग स्पिरिट आपको चाहिए कुछ करने का देखिए कितनी आ, मुझे बताए ना कितनी परफॉर्मेंस है और कितना एक्सपोयर है यूएसए टीम का क्या एक्सपीरियंस है यूएसए टीम का लेकिन वो भी सुपर एट में पहुंच के वजह क्या थी उन्होंने फाइट की हमने फाइट नहीं की वो परफॉर्मेंस जो हमें दिखानी चाहिए थी हमने नहीं दिखाई तो ये मेरा ख्याल चंद वजुआत हैं जिसकी है जिसकी बिना पर पाकिस्तान अब वही है कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वाली परफॉर्मेंस बिल्कुल ना आई और अब पाकिस्तान इज बुक टू गो बैक यहाँ से पाकिस्तान कल तकरीबन शायद कुछ ऐसी भी ख़बरें भी हैं कि कुछ प्लेयर शायद इंग्लैंड स्टे करें कुछ प्लेयर के और जाएं ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है लेकिन जो भी है वो जो अचीवमेंट और जो होप्स थे हमारे वो सारी हमारी नेशन की होप्स थी वो पूरी नहीं हो सकी और देखें क्रिकेट ऐसी गेम है कि जो हम अपडेट चाहते हैं कि उनकी टीम अच्छा परफॉर्म करें ये एक

यूएसए तो वहां मौजूद है हमारे लिए अच्छा नहीं लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ एक नॉन जब नॉन टेस्ट नेशनस की बात आती है टफ टाइम टीम्स ने दी है टेस्ट नेशन को कल आप स्कॉटलैंड वर्से ऑस्ट्रेलिया मैच की बात करें वो भी बड़ा आपको पता है, एक बड़ा स्ट्रांग मैच किया था अगर बात करें नेपाल मैच की बात करें तो हार्ड ब्रेकिंग मैच था नेपाल के लिए बांग्लादेश की बात करूं पहली दफा तीन मैच जीत के बांग्लादेश सुपर एट के अंदर गया एक अच्छी बात

इंडिया के बाद न्यूजीलैंड सैंतालीस मैच खेला छठे नंबर पर मौजूद है उनका भी वर्ल्ड कप खत्म हो गया सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश दो ऐसी टीमें हैं जो दोनों पैंतालीस मैचेस खेली हैं टी ट्वेंटी की मैं बात कर रहा हूँ तो यानी इंडिया के बाद और न्यूजीलैंड के बाद अगर कोई दो टीमें जो पैंतालीस सबसे ज्यादा मैचेस खेली टी ट्वेंटी के वो बांग्लादेश और पाकिस्तान है और आपका सक्सेस रेशो शायद उनसे बेहतर है तभी आप रैंकिंग में बेहतर है अब बात यह है कि नौवें रैंक की टीम आपसे बेहतर कैसे खेल गई मसाइल तो वहां पर भी है वहां पर भी कप्तानी का मसला मसा, कप्तानी का मसला चल रहा है वहां पर बोर्ड का मसला चल रहा है प्लेयर्स का भी इशू रहा है आ, कुछ उनके भी क्रिकेटर्स ने मीडिया पर सोशल मीडिया पर जाकर करंट प्लेयर्स को सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया उनकी पिचेस की क्वालिटी तो शायद हमारे से भी खराब है बिल्कुल वो बांग्लादेश के अलावा कहीं खेल ही नहीं पाते तो क्यों क्वालिफाई कर गए क्वालिफाई इसलिए कर गए मेरे भाई जो हम जिस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं

कामयाबी नजर आ रही है इसकी तैयारी हमने बहुत पहले से करना शुरू कर दी थी तो दो चीज़ों का अलमिया हमेशा रहता है कि हम तो हमें तो यह भी नहीं पता कि खेलना किसने है आखिरी दिन तक अब आप बांग्लादेश की टीम को टैक्टिकली देखिए कि आने वाली पिचिस की जो अभी थोड़ी देर पहले भी बात की गई कि वहां पर स्पिन ट्रैक्स हमें देखने को मिलेंगे बांग्लादेश की टीम वहां पर बहुत अच्छा खेल सकती है क्योंकि ये जिस तरह की कंडीशन में खेलते हैं वहां पर भी लो वेरिएबल बाउंस रहता है थोड़ा सा साकिब ने भी अपनी इनिंग्स को इम्प्रूव किया अगर हम उसकी लास्ट मैच की इनिंग्स भी देखें उठाकर तो अच्छे तरीके से खेल रहे थे ज़ोर से मारने की कोशिश नहीं की कट खेला कवर ड्राइव झुक के खेला तो कुछ टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स आपको इन पिचेस के ऊपर करनी है मैं कल भी ये कह रहा था कि इस वक्त लगता है सबसे ज्यादा अच्छी पिचेज स्कॉटलैंड और ऑस्ट्रेलिया को ही मिली है बाकी तो आई थिंक आपको बांग्लादेश को पूरा क्रेडिट देना होगा उन्होंने पूरे तरीके से डिजर्व किया आगे क्वालिफाई करना लेकिन मैं थोड़ा सा मुबीन भाई नेपाल टीम को भी क्रेडिट देना चाहूंगा बहुत ही कम टाइम के अंदर नेपाल में ज़्यादा इन्फ्लुएंस क्रिकेट का नहीं था एज कम्पेयर टू तो डिफेंट स्पोर्ट्स की अगर बात करूं बहुत ही कम टाइम के अंदर नेपाल टीम ने जिस तरीके से एसीसी सी टूर्नामेंट्स की बात करूं क्वालीफायर्स की बात करूं फिर बांग्लादेश के खिलाफ इतना क्लोज मार्जिन मैच लेके जाना हैथस ऑफ है डेफिनेटली uh, मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी जब ये हम वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन में हम बैठे थे पहली दफ़ा कि छोटी टीमें जब वर्ल्ड कप खेलने आती हैं उनका गोल डिफरेंट होता है hmm. जो नई टीम्स होती हैं एसोसिएट कंट्रीज होती हैं अब जो बड़ी टीमें खेलती हैं वो वो ट्रॉफी के लिए खेलती हैं लेकिन जो छोटी टीमें होती हैं ना वो कहीं ना कहीं अच्छी जगह जाके फिनिश करने के लिए खेलती हैं तो मेरे ख्याल में ये चीज़ भी थी और मैंने कहा था कि इसमें हम वर्ल्ड कप में हमें काफ़ी सारे अपसेट्स भी देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी हमें अपसेट ऐसे भी होते होते रह गए इस वर्ल्ड कप में आपने नेपाल की बात की तो नेपाल ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे सुपर एट और अफगानिस्तान की बात करता हूँ आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया बांग्लादेश का जिक्र किया ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अभी अफगानिस्तान ने रिसेंटली बड़ी मेहनत करके अपना यहाँ पे स्पॉट बनाया अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में देखें तो बेस्ट जो बै, तो टॉप बैटर जा रहा है वो भी गुरबाज वन सिक्सटी सेवन रन उसके तीन मैचों में वो भी अफगानिस्तान से जो तो टॉप विकेट टेकर है वो भी अफगानिस्तान से फारूकी जिसने तीन मैचों में बारह विकटे लिए हैं तो आप ये देखें कि वो किस कितने अच्छी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में और हम बात कर रहे हैं स्पिनर्स की कि वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में हमारे पास थोड़े स्लो पिचेस होते हैं देखने को मिलेंगे आ, लेकिन जिस तरीके से फारूकी ने बॉलिंग की है वहाँ पे तीन मैचों में बारह हैं वर्ल्ड कप में कि छोटी जो है ना ये आ, नहीं है परफॉर्मेंस नहीं है तो मेरे ख्याल से जो अफगानिस्तान की टीम है या बांग्लादेश की टीम है इन लोगों ने इनके पास भी मसाइल चल रहे हैं और भी इतने सारे इशूज़ बनते रहे हैं इनके इतनी सारी इनकी जो सीरीज़ हैं वो भी नहीं रिसेंटली आपको पता हुई है लेकिन फिर भी उन्होंने

कि क्रिकेट को वो एक जॉब लेके खेल रहे हैं और उसमें से क्रिएटिविटी उनकी खत्म होती जा रही है इतने बड़े स्टार्स हैं बट हुआ क्या क्योंकि लाइफ में क्रिकेट को उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट से नहीं आ, आ, देखा हुआ था ये खेला हुआ था तो कहीं ना कहीं चौक कर जाते थे तो ये देखिए ये, ये ये नेशन में होती है बिकॉज हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उनके अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो वो उनको अंदाजा है कि 50 50 मैच अगर फंसा हुआ तो उसमें से कैसे तैर के निकल जाना है साउथ अफ्रीका का हमेशा से 50 60 जीत भी रहे हो तो इनको पता है कि कैसे हार जाना है तो ये एक नेशन में होता है ये उसकी हिस्ट्री होती है उसके बहुत सारे रीजन है फिर किसी दिन करेंगे गुलामी वाली बात भी आती है बहुत सारे रीजन है वो किसी और को तो आइसोलेशन भी रही बट राइट नाउ दिस टाइम अराउंड मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि शायद अभी तक की मेरी जितनी क्रिकेट है पहली मरतबा मैंने किस्मत की देवी जो है उसको मेहरबान होते देखा साउथ अफ्रीका पे कभी एक रन से जीत गए कभी आखिरी गेंद पे नेपाल वाला नहीं किधर देख रहे इधर से रन आउट हो गया सो इस तरह का मैंने साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका जीतती है तो क्लीन जीतती है हारती है तो इतना क्लीन हारती है कि आपको यकीन ही नहीं आता कि यार इसको हुआ क्या चाहे वो 96 का क्वार्टर फाइनल हो 2003 में बारिश के रूल बना के उनको नहीं याद रहे 2015 में सबसे हल्की टीम थी वो तो मुसलसल हारती नहीं सो दिन सो मेनी टाइम्स बट दिस टाइम अराउंड मैंने इतनी किस्मत की देवी किसी पर मेहरबान नहीं देखी जितनी साउथ अफ्रीका पर है मोस्ट प्रोबेबली दैट लक गोइंग इन टू सुपर एट उट सो मनी थिंगउथ अफ्रीका सो आपने बिल्कुल मेरी भी फेवरेट इस बार साउथ अफ्रीका अहमद ठीक कहते है हैं कि शायद हमको नया विनर देखना चाहते है। तो हैं तो इसलिए हमारी अल्टीमेट जो ख्वाहत है उसकी तरफ हो जाती है लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इस बार उनकी बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हमेशा तो सही है दर इज अ बैलेंस बिटवीन द और पहली मरतबा उनके पास आउट करने वाले स्पिनर मौजूद है वरना पैट सिमकॉक्स जो है वो रन ही रोक रहे थे पॉल एडम्स को अपना पता नहीं था उससे पहले पॉल हैरिस थे तो उनको बहुत ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं थे बट जब केशव महाराज तब रेश की बात करता हूं एडम मार्गर उनको बीच में कहीं जोड़ लेते हैं तो उनके पास आठ से दस ओवर अच्छी स्पिन के मौजूद है साथ में अगर पंद्रह ओवर की बात करूं मैं चले बॉलिंग यूनिट पर बैटिंग करना चाहूंगा पंद्रह यूनिट फायर पावर मौजूद है उनके पास ट्वेंटी ओवर की बात कर लें क्योंकि उनके पास मडल ऑर्डर की बात करें आप अब दी ऑर्डर की बात करें फायर पावर मौजूद है यहां तक डाउन दी ऑर्डर की बात करें लेकिन मसला कहां पर आपको नजर आता है जब बड़े मैचेस की बात हो जितना ज्यादा मैंने प्रेशर में साउथ अफ्रीका को देखा है आपको याद हो पिछला जब वर्ल्ड कप की बात है जब पाकिस्तान बाहर हुआ था साउथ अफ्रीका पाकिस्तान मैच नेल बैटिंग आखिरी ओवर तक गया था आखिरी बॉल तक गया था मसला कहां पर आता साइकोलॉजिकल प्रेशर है या वही जो मामला पैसे चलते हुए आए हैं आप उसे निकलना नहीं चाहते बात नहीं आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि आप ये सोचें कि आपके ऊपर एक चोकर्स का टैग लगा दिया गया इसके अलावा भी मेरे ख्याल से ग्राम स्मिथ के बाद से ये मुझे झाती तौर पर लगता है कि एक का स्ट्रगल रही है ऐसा कप्तान बनाने के लिए हाँ। क्योंकि उन्होंने इतना अरसा कप्तानी की एक ऐसा कप्तान जो टीम को लीड करे वो सारा प्रेशर अब्जॉर्ब करे सुपरस्टार्स तो बहुत सारे आए हैं डिकॉक को कप्तानी पर ट्राई किया गया डुप्लेसी आए डिविलियर्स आए कुछ अरसे के लिए टैंब भबूमा को हमने देखा फिर इन माकरम को तो, और हाशिम हाशिम मामला मामला को भी बिल्कुल देखा तो मेरे ख्याल से बहुत सारे प्लेयर्स बहुत सारे कप्तान ट्राई किए गए लेकिन उस तरह से कोई इंडिविजुअल नजर नहीं आया कि जो प्रेशर अब्जॉर्व कर सके अब मेरे ख्याल से पहली बार एक ऐसी टीम नजर आ रही है

बाद यही टीम है हमारी तो फेवरेट और आप लेके गए थे जाते हुए तो बता <laughs> <लेकी लेकी> देखिए <laughs> वो बात करेंगे प्रोग्राम